नेक्स्ट आ जाते हैं मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ पीएच. देर आर न्यूमरस मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ पीएच. इन आवर सिलेबस वी हैव टू, कलरीमेट्रिक एंड सेकेंड इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड. कलरीमेट्रिक यू कैन, अगर समझना हो तो बैकग्राउंड में एक एग्जाम्पल रख सकते हो अपने वही पेपर की, पीएच पेपर की, जिससे आप पीएच डिटर्मिन करते हो. दिस मेथड बेसिकली डिटर्मिन द पीएच. इसकी जो एक्यूरेसी है दैट इज अप टू 0.2 यूनिट्स. आप 0.2 यूनिट्स तक इसको एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो. एंड जो इसकी इफेक्टिव रेंज है, जिस रेंज में पीएच इफेक्टिवली मेजर हो जाती है, दैट इज 3 to 11. इसका प्रिंसिपल क्या है बच्चे? यू विल कंपेयर द कलर जो आपका टेस्ट सोल्यूशन प्रोड्यूस कर रहा है अगेंस्ट द सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स. ठीक है, आपके पास स्टैंडर्ड कलर्स हैं, स्टैंडर्ड सोल्यूशंस हैं, उसके कंपैरिजन में आपका टेस्ट सोल्यूशन क्या कलर शो कर रहा है. ठीक है, अब ये जो कलर्स हैं ये डिटर्मिन, एक तो एग्जांपल आपने कर ली जो आपकी इंडिकेटर स्ट्रिप है वेयर यू हैव योर कलर चार्ट्स, ये मैंने एक आपको एग्जाम्पल दे दी. बट ऑन लार्जर स्केल, ठीक है, लार्जर स्केल में आपके, जब आपके पास बहुत हाई वॉल्यूम कंटेनर्स प्रेजेंट होते हैं, हाई वॉल्यूम सॉल्यूशंस प्रेजेंट है जिनकी आपने पीएच देखनी है, देयर यू विल यूज इधर कैपिलेटर्स और कंपैरेटर्स. दीज आर नथिंग. इसमें क्या है, आपके डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड बफर्स हैं. बफर समझते हो दैट रिजिस्ट एनी चेंज. आप डिफरेंट डिफरेंट पीएच के बफर बना लोगे. फॉर एग्जांपल यू प्रिपेयर अ बफर ऑफ पीएच 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक एग्जांपल लेते हैं. उन बफर्स को में आप ऐड कर दोगे यूनिवर्सल इंडिकेटर जो अभी हमने स्टडी किया. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द पी एच ऑफ योर बफर दैट इंडिकेटर विल गिव यू डिफरेंट डिफरेंट कलर्स. इफ यू फिल दीज कलर्स और जो आपके स्टैंडर्ड सोल्यूशन अलॉन्ग विद यूनिवर्सल इंडिकेटर इन अ कैपिलरी, दैट विल बी योर कैपिलेटर्स. ठीक है, जो आपकी रेफरेंस में आपकी टेबल शेल्फ पे पड़े हैं, सिंपली बाय कंपेयरिंग योर लिक्विड सैंपल, जो टेस्ट सैंपल है, टेस्ट सैंपल में आप यूनिवर्सल इंडिकेटर डालोगे, जो कलर आएगा उसको आप कंपेयर करोगे, that will be called your capillators. अगर आपकी volume बहुत high है, ठीक है, आप capillaries को ना use करके वहाँ पर आप test tubes use कर सकते हो and that will form your comparators. उनको आप comparators बोल देते हो. ठीक है, so these are the available options जो आप अपने colorimetric method में use कर सकते हो. अगर मेथड में एक्सप्लेन करूं कि मेथड में आपने करना कैसे है, जैसे मैंने अपने पीएच स्ट्रिप की एग्जांपल दी आपको प्रीवियसली, उसी तरह से आप, आपके पास अननोन टेस्ट सैंपल है, आप 1 to 11 सारे डिफरेंट डिफरेंट बफर्स बनाओगे फ्रॉम 1 pH to 11 pH. 1 pH का 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ठीक है, उसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर डालोगे कि आपके स्टैंडर्ड सोल्यूशन का सेट बन गया. ठीक है, नेक्स्ट यू विल टेक योर टेस्ट सैंपल, यू विल एड यूनिवर्सल इंडिकेटर और आप उसमें से अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे. फॉर एग्जाम्पल आपका जो सोल्यूशन है दैट मैचेस द पीएच ऑफ योर स्टैंडर्ड सोल्यूशन वेयर यू हैव एडेड बफर ऑफ पीएच 5. ठीक है, पीएच 5 के साथ वो मैच कर रहा है. नाउ वॉट यू विल डू, यू विल नैरो डाउन योर रेंज. अब आप स्टैंडर्ड्स बनाओगे फ्रॉम 4 to 6. 4, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8, then 5, 5.2, इस तरह के स्टैंडर्ड्स बनाओगे. अगेन यू विल कंपेयर योर टेस्ट सोल्यूशन के कलर विद ऑल दीज. ठीक है, यू विल रीच द करेक्ट वैल्यू ओवर हियर. आप यहाँ पे करेक्ट वैल्यू पे रीच कर जाओगे क्योंकि मेरे इस मेथड की जो सेंसिटिविटी है दैट इज अप टू 0.2, तो 0.2 के डिफरेंस तक आप अपनी पीएच को फाइंड आउट कर सकते हो कि 4.2 है कि 4.4 है. यू कैन डिस्टिंग्विश बाय दिस मेथड ओनली. ठीक है, तो इस तरह से आप नैरो डाउन करते रहोगे जो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू है, यू कैन फाइंड आउट यूजिंग दिस मेथड. ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल मेथड. अब इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. इफ यू लिस्ट डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसीजर यू फॉलो, इट इज़ अ वेरी लेस एक्सपेंसिव मेथड. आपने सिंपल बफर बनाना है और एक यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज करना है टू स्टार्ट विद. अगर इनिशियली लैब में उतनी फैसिलिटीज नहीं है, आप इस मेथड से विद वेरी लेस कॉस्ट इनपुट आप इजिली पीएच को फाइंड आउट कर सकते हैं. It is useful for study of acid-base reaction in non-aqueous solution. We will study about the different
अदर मेथड जो इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड है वहाँ आप एक्वो सोल्यूशन को डील करते हो. अगर यू आर हैविंग अ नॉन एक्वो सोल्यूशन दैट मेथड विल नॉट बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. तो उन केसेस में दिस मेथड इज हेल्पफुल फॉर यू. आप नॉन एक्वो सोल्यूशन की इजिली पीएच मेजर कर सकते हो. अगर आपकी ड्रग कोई बफर एक्शन नहीं शो कर सकती करती, कई बार ड्रग्स ही एज अ बफर एक्ट कर लेती हैं, वो थोड़ी बहुत पीएच की चेंज को रिजिस्ट करती हैं. अगर आपकी ड्रग कोई बफर एक्शन नहीं शो कर रही, देन दिस मेथड इज़ अ वेरी रिलायबल मेथड. आपकी बहुत एक्यूरेट पीएच आपको मेजर हो जाती है इस मेथड से. डिसएडवांटेज क्या है? It is less accurate and convenient. Why less accurate? Because you are determining the color change. मैंने आपसे पहले भी बात की, that will be determined by your sense of vision. ठीक है, आपकी सेंस ने वो डिटर्मिन किया है. That sense can vary from a person to person. एक इंडिविजुअल कह सकता है कि ये कलर 4.2 के साथ मैच करता है, दूसरा कैन से इट इज मैचिंग विद 4.4, क्योंकि बहुत माइन्यूट चेंज होगी उन दोनों में. ठीक है, सो इट इज कंपैरेटिवली लेस एक्यूरेट एंड यू कैन आर्ग्यू विद अमंग वन अनदर अबाउट योर रिजल्ट्स. ठीक है बच्चे, कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन सॉल्यूशन इज नॉट कलर्ड और नॉट टर्बिड. अगर आपका टेस्ट सॉल्यूशन ऑलरेडी कलर्ड है या उसमें ऑलरेडी टर्बिडिटी है, तो उन सॉल्यूशन को आप इस मेथड से उसकी पीएच नहीं डिटरमिन कर पाओगे. ठीक है, इट इज लेस कन्वीनियंट. व्हाई लेस कन्वीनियंट? क्योंकि आपको इतने स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ रहे हैं, है ना. इनिशियली आपने इतनी ब्रॉडर रेंज ली, फिर नैरो रेंज ली, आपने बहुत सॉल्यूशंस बनाए हैं और उन सॉल्यूशंस के साथ आपने कंपेयर किया. ठीक है, लास्ट डिसएडवांटेज, सिंस इन दिस मेथड यू आर एडिंग इंडिकेटर टू द टेस्ट सॉल्यूशन, आप टेस्ट सॉल्यूशन में इंडिकेटर डाल रहे हो, तो वो टेस्ट सॉल्यूशन जो भी है आपका, जिसकी आप पीएच डिटरमिन कर रहे हो, वो दोबारा आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो कंटामिनेट हो गया विद योर इंडिकेटर. सेकंड, वी ऑलरेडी नो दैट आर इंडिकेटर इज ईदर अ एसिड और अ बेस. ठीक है, वो या तो एसिड है या बेस है. अगर मेरा टेस्ट सैंपल कोई अनबफर्ड सॉल्यूशन था एंड आई एम एडिंग वन इंडिकेटर इनटू इट, एक बच्चे ने एक ड्रॉप डाल दी, दूसरे स्टूडेंट ने दो ड्रॉप्स डाल दी, किसी ने फाइव ड्रॉप्स डाल दी, एज आई एम इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ माई इंडिकेटर, वो इंडिकेटर जाके मेरे टेस्ट सोल्यूशन में उसकी पीएच को चेंज कर रहा है क्योंकि मेरा टेस्ट सोल्यूशन अनबफर्ड था. तो जो रिजल्ट्स मेरे पास आ रहे हैं दैट आर वेरिंग इन दैट पीएच रेंज, कुछ पीएच रेंज में वेरी करेगी और उसमें एरर्स हम नोइंगली एंड अनोइंगली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. सो दिस इज अ डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड. तो कुछ प्रिकॉशंस आपको रखनी पड़ती हैं जब आपने मेजरमेंट करनी है यूजिंग कलरीमेट्रिक मेथड. आप जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस बना रहे हो, यू हैव टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम लाइट ताकि उनका कलर विद टाइम चेंज ना हो जाए. सेकेंडली, जो आप ट्यूब्स यूज कर रहे हो, इफ़ यू आर यूजिंग अ कैपिलरी और अ टेस्ट ट्यूब टू एक्ट एज योर कैपिलेटर्स और कंपैरेटर्स, तो आपने जो वो टेस्ट ट्यूब और कैपिलरी यूज करनी है वो सेम डायमेंशन की यूज करोगे. अगर डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस की होगी तो जैसे ही आपकी डायमेंशन चेंज होगी, आपका कलर की डेंसिटी भी चेंज होती रहेगी. दैट विल वेरी योर रिजल्ट जो आप एंड में कंप्यूट कर. Next is second method, that is electrometric method. You all have seen pH meter in your labs. आप सबने pH meter देखा होगा labs में. It is comparatively more convenient to measure your pH using a pH meter. है ना, पीएच मीटर से पीएच मेजर करनी बहुत कंपैरेटिवली इजी है एज कम्पेयर टू आपका जो कलरीमेट्रिक मेथड. एक, आप उसमें यू आर गेटिंग अ रिलायबल रिजल्ट. चाहे स्टूडेंट वन रिजल्ट ले, चाहे स्टूडेंट टू रिजल्ट ले सेम सॉल्यूशन का, तो वो सेम रहेगा यूजिंग दैट इक्विपमेंट. कलरीमेट्रिक में यू कैन आर्ग्यू कि मेरी रिजल्ट्स में वेरिएशन आ रही है ना बच्चे, बिकॉज हेयर वी आर यूजिंग वन असेंबली जो मेरी स्टैंडर्डाइज्ड है और उस असेंबली से मैं अपने रिजल्ट्स कंप्यूट कर रही हूँ. पीएच मीटर वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल कि आप यू आर बेसिकली मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस जो एग्जिस्ट करता है आपकी इंटरफेस पे बिटवीन योर इलेक्ट्रोड एंड योर सोल्यूशन. इफ़ यू हैव सीन योर पीएच मीटर माइन्यूटली, आपने देखा होगा उसमें आपके एक इंस्ट्रूमेंट होता है. आई विल शो यू द डायग्राम टू. दिस इज द डायग्राम. यू हैव वन असेंबली, ये असेंबली होती है, ये सेटअप होता है जहां पे आपको यहाँ रीडिंग मिलती है.
ठीक है, एंड यू हैव दिस थिंग विद यू। एक आपको साथ में इलेक्ट्रोड मिलता है, इलेक्ट्रोड जर्नली ग्लास इलेक्ट्रोड होता है। ग्लास इलेक्ट्रोड में यू हैव अ रेफरेंस, इट इज अ कंडेंस्ड इलेक्ट्रोड, ठीक है। आपका रेफरेंस और जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है वो एक ही इलेक्ट्रोड में फिल्ड होते हैं, उसी में ही आपके कंडेंस्ड होते हैं। इन दिस यू बेसिकली हैव अ सिल्वर सिल्वर क्लोराइड इंटरनल रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जो आपका ग्लास इलेक्ट्रोड पीएच मीटर में है, एंड यू आर फिल्ड, जो आपका ग्लास बल्ब है, दैट ग्लास बल्ब इज फिल्ड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की पीएच फिक्स रहेगी बिकॉज इट इज नॉट गेटिंग कंटेमिनेटेड, ये सील्ड है इस इलेक्ट्रोड में, तो इसकी पीएच ड्यूरिंग द यूजेज फिक्स रहेगी। देन यू हैव अ प्लेटिनम वायर इन बिटवीन इट, ठीक है। दिस असेंबली इज कॉल्ड द ग्लास इलेक्ट्रोड। आपने क्या करना है, जब पीएच मेजर करनी है ऑफ योर टेस्ट सैंपल, उससे पहले आपको कैलिब्रेट करना पड़ेगा आपका पीएच मीटर। इफ यू हैव अ पीएच मीटर इन योर लैब, तो आपकी सुबह आते ही लैब में सबसे पहले जब भी लैब में वर्क करोगे, आप अपना थर्मोमीटर सेट कर दोगे टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ योर लैब। द सेकेंड थिंग जो आप करते ही करते हो अपनी लैब में, इफ यू हैव अ पीएच मीटर, इज यू कैलिब्रेट योर पीएच मीटर। पीएच मीटर जितनी फ्रीक्वेंटली आप कैलिब्रेट करोगे, उतनी उसकी रिलायबल रिजल्ट्स होंगे, उतने रिजल्ट्स पे आप रिलाई कर सकते हो उस पीएच मीटर के। पीएच मीटर की कैलिब्रेशन में यू बेसिकली यूज स्टैंडर्ड बफर्स, उसमें आप स्टैंडर्ड बफर्स यूज करते हो। क्या करते हो बच्चे, आप इनिशियली आप टेम्परेचर सेट करोगे अपने लैब का, उस एनवायरनमेंट का जहाँ पे आप यू कैन, जब भी पीएच रिकॉर्ड करोगे साथ में टेम्परेचर रिकॉर्ड करोगे। नेक्स्ट थिंग व्हाट यू विल डू, यू विल प्रिपेयर थ्री डिफरेंट सॉल्यूशन। एक तो 7 पीएच का सॉल्यूशन, जिसमें नॉर्मली ये डिप्ड भी होता है आपका इलेक्ट्रोड, इसको आप बाहर एज सच नहीं रखते, हमेशा ये डिप्ड ही रहता है एक सॉल्यूशन। 7 पीएच का सॉल्यूशन बनाओगे, यू विल मेक अ सॉल्यूशन ऑफ 7 पीएच। Second, you will make a solution of 4 pH. Third, you will make a solution of 9.14. आजकल तो टेस्ट आपकी कैलिब्रेशन टेबलेट्स मिल जाती है। टेबलेट की फॉर्म में आपको बफर मिलता है एंड यू विल बी एडवाइज्ड कि इस टेबलेट को कितने वाटर में डिजॉल्व करना है। इफ यू आर नॉट हैविंग दैट टेबलेट्स विद यू, आप सिंपली कोई भी बफर यूजिंग द फार्माकोपिया, आप इन ये 3 pH के एग्जैक्ट बफर्स बनाओगे, ठीक है बच्चे। आप क्या करोगे, अपने ग्लास इलेक्ट्रोड को वॉश करोगे एंड यू विल डिप इट इनटू द फर्स्ट 7 pH। 7 pH में डिप करोगे, यू विल वेट टिल द रीडिंग स्टेबलाइजेस ओवर हियर। यहाँ पे रीडिंग जब तक स्टेबलाइज नहीं होती तब तक आप वेट करोगे। जैसे ही रीडिंग स्टेबलाइज हो जाती है, इफ फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग, मान लो यहाँ पे आपकी 6.82 आ रही है, ठीक है, आप क्या करोगे, यूजिंग दीज टू नॉब्स यू विल फिक्स कर दोगे उसकी रीडिंग टू 7, ठीक है बच्चे। यू विल टेक आउट योर ग्लास इलेक्ट्रोड, यू विल वॉश इट विद डिस्टिल्ड वाटर, उसको डिस्टिल्ड वाटर से वॉश कर दिया। आफ्टर वॉशिंग यू विल डिप इट इनटू पीएच 4 के स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। अगेन यू विल चेक कि अब आपकी यहाँ पे रीडिंग क्या है। If it is 4, it is okay. If it is near to 4, you will again alter the reading और उसको finalize करोगे to 4. Next, third, अगर आपके first two steps properly हो गए हैं, when you dip, after washing, when you dip your glass electrode into this pH, इस pH में dip करोगे तो exactly यही pH आ जाएगी। If it is not coming, then again you have to calibrate using these 3 pH. ठीक है, जब तक आपकी थर्ड रीडिंग, डिपेंडिंग अपॉन आपने बफर सही बनाया है कि नहीं बनाया, वो एग्जैक्ट रीडिंग नहीं देती, तब तक आप उसकी कैलिब्रेशन करोगे। व्हाई दिस कैलिब्रेशन इज रिक्वायर्ड, अगर आपका इलेक्ट्रोड कैलिब्रेटेड नहीं होगा एंड यू सिंपली डिप योर ग्लास इलेक्ट्रोड इनटू द टेस्ट सैंपल, तो आपकी जो ऑलरेडी वेरिएशन थी, जो हम देख रहे हैं कि हमने 7 पीएच का बनाया एंड इट इज शोइंग 6.82, अगर मेरी 0.18 जो वेरिएशन है फ्रॉम द एग्जैक्ट वैल्यू, ऑलरेडी उसमें एरर है, तो आपके टेस्ट में आपकी एरर वो आएगी ही है, आएगी, एंड यू आर नॉट अवेयर अबाउट दैट एरर, ठीक है। अगर वो कैलिब्रेटेड होगा तो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है बच्चे।
So, this method has few advantages and disadvantages. In advantages, this system is a compact system. It is not affected by any oxidation reduction reaction or any reaction जो आपका इलेक्ट्रोड का विद योर टेस्ट सैंपल हो सकता है, तो उससे वो बिल्कुल दूर है. आपकी कोई कंटामिनेशन नहीं हो रही एंड यू आर हैविंग अ कंपैक्ट सिस्टम. इट इज ऑफ अ वेरी हाई सेंसिटिविटी. कंडीशन इज दैट यू कैलिब्रेट योर इक्विपमेंट रेगुलरली. नेक्स्ट, इट एस्टेब्लिशेस इक्विलिब्रियम वेरी क्विकली. बहुत जल्दी इक्विलिब्रियम, आपको 2-3 मिनट वेट करना पड़ता है एंड इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश सो फास्ट. नो एडिशन ऑफ इंडिकेटर टू योर टेस्ट सैंपल. आप कुछ भी ऐड नहीं कर रहे, तो जो आपका टेस्ट सैंपल है उसको आप यूज भी कर सकते हो दोबारा. आपने पीएच चेक की, उसके बाद उसको आप यूज कर सकते हो, एज इट इज नॉट गेटिंग कंटामिनेटेड इन दिस मेथड. हालांकि कलरीमेट्री में वो कंटामिनेट हो रहा था. पीएच रेंज ऑफ मेजरमेंट इज लार्ज एज कम्पेयर टू योर कलरीमेट्रिक मैथड. आप ज्यादा ब्रॉडर रेंज में वर्क कर सकते हो. इन डिसएडवांटेजेस, यू कैन नॉट मेजर द पीएच ऑफ विस्कस और सोल्यूशन और जेल्स. जो आपके बहुत विस्कस सोल्यूशंस हैं और जो आपकी जेल्स हैं, उनकी मेजरमेंट यूजिंग दिस मेथड इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वहां पे आपकी आयनिक मोबिलिटी नहीं होती एंड दिस इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आयनिक मोबिलिटी. ठीक है. नेक्स्ट, इफ यू हैव एस्टेब्लिश योर लैब, अभी अभी एस्टेब्लिश की है एंड यू आर नॉट हैविंग मच ऑफ योर रिसोर्सेस टू बाय अ वेरी गुड सिस्टम. पीएच मीटर अगर आपने अच्छा बाय करना है, आपको 30-35 हज़ार लगाने पड़ेंगे. ठीक है. इंस्टेड ऑफ दैट, वो आपकी जो स्ट्रिप्स हैं वो फ्यू 50-100 रुपीज में आपको मिल रही है. सो इट इज अ इट इट इन्वॉल्व्स अ हाई कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट. ठीक है बच्चे.